अब आप YouTube पे सर्च करो तो ग्रेनेट एंगल, लेकिन वहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ी होती है। लेकिन आप ये सोचते हो एक ही वीडियो में क्यों नहीं पूरा एंगल कवर करते थे ये यूट्यूबर। अब मैं यही सोच रहा था कि यार देखो आप ऑडियंस को यहाँ पे कई बार वीडियो में इधर उधर जाना पड़ता है, तो मैंने ये सोचा कि एक ही वीडियो में क्यों नहीं मैं दोनों मैप को कवर कर देना चाहता हूँ एंड ऑल ग्रेनेट एंगल बताऊंगा कि किस पोजिशन से कहाँ से ग्रेनेट यूज कर सकते हो एंड ऑल ग्रेनेट एंगल बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो शुरू कर देते हैं। देरी के फिफ्थ प्लेस पड़ता है इंटेलेक्ट सेंटर प्लेस पे एंड दोस्तों को बता देना चाहता हूँ जब इंटेलेक्ट सेंटर पे आप इस पोजीशन स्पॉन हो जाते हो तो आपको यहाँ पे आ जाना है इस पोजीशन पे एंड यहाँ पे जैसे मैं ग्रेनेड को कूकर में फेंकूंगा आपको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा एंड बहुत इजीली एक दो इनको तो बहुत इजीली डैमेज कर दोगे क्योंकि देखो बिल्कुल सामने से ऐसे एनमी आता है एंड उनको बहुत इजीली आप यहाँ से किल कर सकते हो। सेकेंड एंगल स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ना कंटेनर के पीछे बहुत सारे बंदे हाइड होकर खड़े होते हैं तो उनको मैं ग्रेनेड थ्रो करके उनको डैमेज दे सकते हो। फोर नंबर प्लेस होता है मर्ड साइड प्लेस एंड देखो मर्ड साइड प्लेस आप इस प्लेस में आकर बैठोगे तो कभी कभी सामने से बंदा आता है या कभी कभी ग्रेनेड देखो एयर ड्रॉप लूटने के लिए बंदा जाता है तो आप इस पोजीशन में फेंको ग्रेनेड तो बहुत इजीली एनमी डैमेज हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजीली यहाँ पे मैं डैमेज देगा एनमी को बहुत इजीली किल कर देता हूँ तो इस एंगल को भी यूज कर सकते हो। सो वन थ्री नंबर प्लेस पड़ता है डेका स्क्वायर प्लेस एंड डेका स्क्वायर प्लेस ना अपडेट में थोड़ा सा चेंज हुआ, उतना भी चेंज नहीं हुआ। आप देखो आप चाहो तो यहाँ से भी ग्रेनेड थ्रो करके फेंक सकते हो क्योंकि इस रूप में एनमी आते हैं। आप यहाँ से भी फेंक सकते हो क्योंकि यहाँ में भी एनमी होते हैं। तो देखो आप बीच के सेंटर में फेंको या लेफ्ट में फेंको या राइट में फेंको आप इन दोनों प्लेस में बहुत इजीली फेंक सकते हो एंड आप इसी पोजीशन से आप यहाँ में फेंक सकते हो। देखिए सोचो एक ही प्लेस पर रह अगर आप तीन तीन एंगल को यूज कर सकते हो तो इस एंगल पे आओगे तो बहुत इजीली ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो। अब छोटा सा रिस्क लोगे तो छोटा सा रिस्क लेने के बाद आपको फटाफट यहाँ पे आगे आ जाना एंड यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करके कुक करना स्टार्ट कर देना एंड जैसे आप राउंड स्टार्ट होता है फटाक से इसके अंदर फेंक देना आपको एक से दो एनिमी बहुत इजीली किल मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर प्लेस पड़ता है यहाँ पे रश टाउन प्लेस एंड देखो रश टाउन प्लेस पे यहाँ पे जो एयर ड्रॉप गिरता है ना तो आप यहाँ पे आकर बैठ जाना। अब यहाँ पे आकर बैठोगे ना तो देखो सामने ऊपर आपको ग्रेनेड थ्रो फेंकने आपको बहुत इजीली किल मिल जाएंगे तो इस एंगल को आप यूज कर सकते हो। सेकेंड एंगल पड़ता है यहाँ पे। अब देखो इस पोजिशन पे आ जाते हो तो आप इस एंगल से फेंक सकते हो चाहे तो इस एंगल से भी फेंक सकते हो एंड मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ अब यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे बता रहा था लेकिन यहाँ पे इस पोजिशन पे एनमी था लेकिन थोड़ा मैंने लेट करके फेंका इसलिए इतना एनमी किल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आप पोजीशन पड़ता है येल पे। अब देखो येल जो पोजीशन है ना ये दोनों तरफ एक ही तरफ यूज करना है। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रेनेड थ्रो किया है ना आपको बहुत इजीली ऐसे कुछ करना है। अब देखो आप उस पोजीशन पे भी जाते हो ना जैसे उस साइड भी जाते हो तो कैसे थ्रो करना बिल्कुल सिंपल एकदम ऐसे ही करना जैसे मैंने वहां पे किया था आपको ऐसे यहाँ पे करना। अब दोनों साइड ने ये ट्रिक काफी अच्छे तरह से वर्क करता है एंड इस ट्रिक का यूज करके आप बहुत इजीली एनमी को किल कर दो एंड ये दोनों एंगल ही बेस्ट है। एंड हमारा अब पड़ता है नंबर वन का प्लेस जो कि येल वाला प्लेस होने वाला एंड जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पोजीशन पे आकर बैठे हो ना तो भाई अपने ऊपर नीचे कहीं भी एरिया पे फेंकोगे ना तो आप पूरे एरिया को देख सकते हो एंड यहाँ पे फायदा यही होता है ना कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो यहाँ पे जब ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना तो आप किसी भी पोजीशन पे देखकर देख सकते हो कि एनमी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है तो उस पोजीशन पे आप बहुत इजीली एनमी के ऊपर ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो। तो इस वाले पोजीशन पे जब आकर बैठोगे ना तो आप किसी भी पोजीशन पे ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो एंड किसी भी एंगल से थ्रो कर सकते हो। अब आपको एंगल हम बताएंगे बीआर मैप के ऊपर तो चलिए चलते हैं बीआर मैप के अंदर। सो हमारा 10 नंबर का प्लेस पड़ जाता है ऑब्जर्वेटरी प्लेस एंड ऑब्जर्वेटरी प्लेस में आपको एक छोटी सी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैं गोलवाल लगा रहा हूं ना आप भी सिंपल से गोलवाल लगा लेना एंड इसके ऊपर जंप करके आप सीधे से रूप के ऊपर चले आना एंड ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल वे से। एंड गाइस यहां पे मुझे एंगल बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि देख ही सकते हो आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी एंगल तरीके से ग्रेनेड को कुक करोगे तो एनमी आपको बस वहां पे दिखना चाहिए एंड ग्रेनेड को थ्रो थ्रो करके आप बहुत इजीली एनमी किल कर सकते हो। तो इस ट्रिक को अप्लाई करना है यूएल प्लस पे। सो 9 नंबर पुचिनो प्लेस एंड पुचिनो प्लेस में ना आपको जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग अगर दुखा हुआ था सुई होना तो फटाफट यहाँ पर रन करते करते ना सीधे डायरेक्ट आप इस बॉक्स को पीछे चले आना। अब जब इस बॉक्स पे आ गए ना तो स्टार्टिंग के टाइम पे ना एनमी ने इस बॉक्स पे आकर कवर लेते हैं तो उनके ऊपर ग्रेनेड थ्रो को बहुत इजी उनको किल कर सकते हो। तो आप ये वाले होटल हाउस के अंदर भी ग्रेनेड थ्रो करके फेंक सकते हो यहाँ पे बहुत इजी किल मिल जाएंगे। एंड अगर आप इस साइड स्पॉन हो जाते हो तो देखो आपको यहाँ पे एक ग्रेनेड थ्रो करना जैसे कि आप बिल्कुल सामने भी थ्रो कर सकते हो नहीं तो आप देखो इस साइड से भी थ्रो करना चाहते हो तो ये कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बार यहाँ पे भी एयर ड्रॉप आता है तो यहाँ पे भी एयर ड्रॉप ऊपर थ्रो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एयर ड्रॉप आया है तो यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हो। अब देखिए सोते यहाँ पे एक ही पोजीशन से तीन तीन एंगल में फेंक सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एनमी कहाँ पे आए कहाँ पे आपको फेंकना है। तो हमारे 8 नंबर प्लेस पर जाता है हैंगर प्लेस एंड हैंगर प्लेस से बिल्कुल डायरेक्ट सामने फेंक सकते हो एंड बहुत सारे बंदे यहाँ पे कवर लेके खड़े होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा था एंड वैसे वहाँ पे उस प्लेस पे बंदे खड़े होते तो उनके ऊपर ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो नहीं तो आप यहाँ को इस साइड से
बंदे आकर डैमेज देते हैं, तो यहाँ पे भी ग्रेनेड को थ्रो कर सकते हो। एंड आप यही ट्रिक यही एंगल ना दोनों तरफ से एकदम अपोजिट साइड से ऐसे यूज कर सकते हो, चाहे तो इस साइड से यूज करो चाहे तो उस साइड से यूज करो, दोनों ही सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट प्लेस पड़ता है 7 ओगा प्लेस रिवर्स साइड एरिया। एंड राउंड स्टार्ट होते ही आप चाहो तो यहाँ पे भी बैठ सकते हो, लेकिन मेरे पास ताजा सा इसलिए मैं रिक्स लेकर थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। एंड यहाँ पे आप भी रिक्स लेकर आगे आना चाहते हो तो आ सकते हो। एंड बिल्कुल सामने ग्रेनेड थ्रो करोगे तो आपको बहुत इजिली एक से दो एनिमी किल मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे मिले यहाँ पे। हमारा 6 ओगा प्लेस पड़ता है पीक प्लेस। एंड पीक प्लेस में आप यहाँ पे पोजिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल सामने से एनमी आ रहा है, तो आप ऐसे ही ग्रेनेड थ्रो करके देख सकते हो कि एनमी कहाँ से आ रहा है, उनको भी ग्रेनेड थ्रो करके उनको बहुत इजी किल कर सकते हो। सो 6 ओगा प्लेस पड़ जाता है फैक्टर प्लेस। एंड फैक्टर प्लेस पर जैसे राउंड स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे आना। अब वो कभी कभार बिल्कुल सामने से डायरेक्ट एनमी आते हैं तो उनको ऊपर में यहाँ से ग्रेनेड थ्रो करके फेंक सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे फैक्टर के अंदर जाना पड़ता है। तो आप फैक्टर के अंदर भी जाओ ना तो बिल्कुल जो सामने डिब्बा है ना उसके ऊपर भी ग्रेनेड थ्रो करके फेंक सकते हो। और 5 ओगा प्लेस पड़ जाता है कटलेस स्टॉप प्लेस पे। एंड कटलेस स्टॉप प्लेस पे आपको ये वाला हाउस के ऊपर आकर बैठना है। आप देखो चाहे तो एल वाला स्टेप वाला हाउस के ऊपर फेंक सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट सामने वाला हाउस के ऊपर फेंक सकते हो। आप यहाँ पे देख के फेंक सकते हो कि एनमी कहाँ पे है एनमी कहाँ पे नहीं है। तो 4 ओगा प्लेस पड़ जाता है मिल प्लेस। एंड मिल प्लेस पे आपको ये प्लेस पे पोजिशन ले लेना है। एंड देखो यहाँ पे पोजिशन लोगे ना तो देखो सामने से भी एक एनमी निकल गया, अब एक एनमी और निकल गया। अब देखो उस साइड से क्या होता है, कभी कभी उस साइड से एनमी आते हैं चाहे तो इस साइड से जाते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करके फेंकोगे तो आपको यहाँ पे बहुत इजी किल मिल जाएंगे। सो 3 ओगा प्लेस पर जाता है मार्स इलेक्ट्रिक प्लेस। एंड मार्स इलेक्ट्रिक पे देखो राउंड स्टार्ट होते हैं, आपको फटाफट रन करते करते ना आपको एकदम उस साइड चले जाना है, यानी कि जो ये कंटेनर देखो फर्स्ट कंटेनर आ रहा है एंड इसके बाद सेकंड कंटेनर पड़ता है, जैसे ही सेकंड कंटेनर पड़ता है तो आपको फटाफट ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट कर देना। अब बिल्कुल सामने से एनमी आता है तो उनके ऊपर ना बहुत इजी ग्रेनेड थ्रो करके उनके ऊपर फेंक उनको बहुत इजी किल कर सकते हो। तो सेकंड ओगा प्लेस पर जाता है रेमना मिलेस। एंड रेमना मिलेस जैसे स्टार्ट होता है ना तो आपको एक ही पोजीशन से तीन तीन ग्रेनेड एंगल बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ बैठ करना बिल्कुल सामने जो एयर ड्रॉप आता है उसके ऊपर फेंक सकते हो, चाहे तो नीचे भी फेंक सकते हो जब एनमी फाइट ले रहे तो। एंड देखो आप जैसे यहाँ पे आकर बैठोगे तो बिल्कुल सामने एयर ड्रॉप आया है तो देखिए सकते हो, आप यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो करके फेंक सकते हो, आपको बहुत इजीली किल मिल जाएगा। 1 नंबर प्लेस पर जाता है, इस प्लेस को मैं बताना भूल गया था इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मार्स लेटर के अंदर देखो यहाँ पे फेंक सकते हो, राउंड जैसे स्टार्ट होता है ना तो आपको फटाफट फेंकना पड़ेगा एंड बहुत इजी किल मिल जाएगा। एंड गाइस बहुत सारे ऐसे प्लेसेस कवर करना भी बाकी रह गए। एंड नेक्स्ट मैप पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बाकी रह गए, अगर आप लोग बोलोगे तो इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। एंड उस वीडियो में ऑल टू ऑल पूरे प्लेस को मैं कवर कर लूंगा, नेक्स्ट मैप का भी एंड बीआर मैप का भी। तो आप यार जो कमेंट करना बता देना कि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चाहे मुझे तो क्या करो सब्सक्राइब कर देना।